फ्राइडे के तीसरे दिन रविवार को प्रभु यीशु मसीह के जीवित हो उठने की खुशी में मसीह समाज की ओर से ईस्टर पर्व मनाया गया जाता है। इसी के तहत शहर के चांगे चर्च रोड स्थित शूलब्रेड मेमोरियल CNI चर्च में रविवार को मसीह समुदाय का प्रमुख पर्व ईस्टर पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान आयोजित प्रार्थना सभा में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने प्रार्थना सभा में भाग लेकर धर्म लाभ प्राप्त किया। प्रार्थना सभा के दौरान उपस्थित मसीह समाज के लोगों को संबोधित करते हुए फादर प्रेम प्रकाश ने कहा कि प्रभु ईसा मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर शूली पर चढ़ गए थे। वह हमारे पापों को दूर करके हमें पवित्र बनाना चाहते थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईस्टर पर्व सही मायने में ईसा मसीह के पुनर्जन्म पर मनाया जाता है। यह पर्व हमें इस बात का विश्वास दिलाने के लिए है कि वह सदैव हमारे साथ है। उन्होंने कहा, बुराइयों पर सच्चाई की विजय हमेशा होती है। फादर ने कहा कि ईसा मसीह के प्रवचन पर विश्वास रखकर सेवा भाव से यदि मानव काम करते हैं तो वह हमें पापों से मुक्त कर देते हैं। इस मौके पर समाज के लोगों ने प्रभु को याद में एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। समाज बंधुओं ने ईस्टर पर्व की एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर एक लघु मेले का भी आयोजन किया गया जिसमें बच्चों के लिए झूले चकरी सहित स्टॉल लगाकर पूरे दिन प्रभु यीशु की याद में खुशियां मनाई गई। आज हम आनंदित हैं कि आज ईस्टर मनाया जा रहा है, ना कि ब्यावर में परंतु पूरे भारत में, पूरे संसार में ईस्टर सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ईस्टर इसलिए मनाया जाता है कि आज के दिन ये मान्यता है, ये विश्वास है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जी उठे। बाइबल बताती है कि किस तरीके से वो मानव का उद्धार करने के लिए संसार में आए, कुमारी मरियम से जन्मे। और ये जो ठहराया गया था, ये पिता उसके बाप के द्वारा ठहराया गया था कि एक पुत्र इस संसार में आएगा और वो मानव जाति के लिए अपने प्राण को देंगे। और जैसा कि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह मारे गए, गुड फ्राइडे को हमने उनके 7 वचनों पर ध्यान दिया और उन्होंने काफ़ी दुखों को, परेशानियों को झेला और मानव जाति के लिए अपने प्राण को दे दिया। और आज अकॉर्डिंग टू बाइबल, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो जी उठे हैं। और इसलिए सभी चर्चेस में प्रभु की आराधना की जा रही है, लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं और इस बात की गवाही को रखा जा रहा है कि हमारा प्रभु जी उठा है। और आज भी हमने प्रवचन के माध्यम से सीखा है कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, अपने चाल चलन को सुधारना है, बुराइयों को दूर करना है, ताकि जो बलिदान यीशु मसीह ने दिया है वो व्यर्थ ना जाए परंतु वो हमारे जीवन के द्वारा और भी महिमा पाने वाला हो सके। तो इसी